मेड इन इंडिया। ये सुनते ही हमारे दिमाग में एक अलग ही देशभक्ति जाग जाती है और प्रोडक्ट कैसा भी हो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। लेकिन अगर मैं यह कहूं कि मेड इन इंडिया के नाम पर हमारा काटा जा रहा है तो आपको शायद दुख तो होगा ही, पर इसी शब्द का ही इस्तेमाल टू व्हीलर ईवीज बनाने वाली ज्यादातर भारतीय कंपनियां हमें उल्लू बनाने के लिए कर रही हैं, क्योंकि मेड इन इंडिया के नाम पर हमें चाइना का माल चिपका दिया जाता है। तो फिर चलिए हम पूरे प्रूफ के साथ जानते हैं ईवी रेवोल्यूशन के इस डार्क साइड को। दोस्तों, इंडिया में इस टाइम बजाज ऑटो, टीवीएस, ओला इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर्स, हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा जैसे करीब 380 इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं। और इन मैन्युफैक्चरर्स में तो कई सारे ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें कि आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी ये कंपनीज बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ काफी बड़ी संख्या में अपनी ईवीज मार्केट में लॉन्च कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि बिल्कुल नई नई कंपनीज भी भारत के ईवी सेक्टर में धड़ल्ले से एंटर कर रही हैं, और क्यों कोई भी आईसीई बेस्ड व्हीकल बनाने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। आईसीई बोले तो इंटरनल कम्बस्चन इंजन, जो कि अभी तक हम आम तौर पर अपनी लाइफ में यूज करते आए हैं। असल में भारत के अंदर ईवी कंपनीज के बाढ़ आने के पीछे के दो मेन रीजंस हैं, जिसमें से पहला है ईवीज का कॉस्ट इफेक्टिव होना, यानी कि ईवी की मैन्युफैक्चरिंग आईसीई बेस्ड व्हीकल के मुकाबले बहुत ही आसानी से और कम खर्च में हो जाती है। अब अगर हम एक आईसीई बेस्ड कार की मैन्युफैक्चरिंग देखें तो फिर उसे बनाने में 30,000 से भी ज्यादा पार्ट्स का इस्तेमाल होता है, और कुछ इसी तरह से एक टू व्हीलर को भी बहुत सारे छोटे बड़े पार्ट्स से कंबाइन करके बनाया जाता है। लेकिन इन व्हीकल्स को बनाने में जो सबसे मुश्किल टास्क है वो है इनका इंजन बनाना, और भारत शुरुआत से ही एक सफल आईसीई बेस्ड इंजन बनाने में काफी पीछे रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही ज्यादातर भारतीय कंपनियां बॉडी तो खुद बना लेती थी लेकिन इंजन बाहर के देशों से ही इम्पोर्ट करती थी। यहाँ तक कि भारत के टॉप कार या फिर बाइक मैन्युफैक्चरर जैसे टाटा, महिंद्रा और हीरो ने भी अपनी शुरुआत बाहर के देशों से ही इंजन इम्पोर्ट करके की थी। और 1984 में जो हीरो ने जापानी कंपनी होंडा के साथ हाथ मिलाया था वो भी इंजन के लिए ही था। हालांकि आज के टाइम पर ऐसा नहीं है कि इंडिया में इंजन बनाया ही नहीं जाता, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि भारत की बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो कि एक हाई क्वालिटी इंजन बनाने में कामयाब हुई हैं। और यही वजह है कि काफी सालों से हमने आईसीई बेस्ड कार बनाने वाली किसी भी नई कंपनी को इस इंडस्ट्री में एंटर करते हुए नहीं देखा, और छोटी तो छोड़िए बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस फील्ड में एंटर करने से कतराती रहती हैं। लेकिन वही इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज भारत के अंदर बहुत तेजी से पैर पसारती नजर आई हैं, और इसकी मेन वजह है कि ईवी बनाने में बहुत ही कम की कंपोनेंट्स लगते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो उसके अंदर आमतौर पर सिर्फ 5 से 7 मेन कंपोनेंट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मोटर, बैटरी और कंट्रोलर वगैरह शामिल है। इस तरह ईवीज को बनाने में लागत तो कम आती ही है, साथ ही आईसीई बेस्ड व्हीकल के कंपैरिजन में मेहनत भी बहुत कम लगती है, और ये व्हीकल बहुत ही जल्दी मैन्युफैक्चर होकर सड़कों पर दौड़ने लगते हैं। यही वजह है कि बहुत जल्दी जल्दी हम मार्केट के अंदर नई नई ईवीज को लॉन्च होते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा ईवी सेक्टर में नई कंपनियों के भीड़ लगने के दूसरे रीजन की अगर बात करें तो वो है चाइनीज इंपोर्ट। अब चीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत से कितना आगे है ये तो हम सभी जानते हैं, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करने की तो उसमें भी चाइना नंबर 1 पोजीशन पर आता है, जहां साल 2020 में उसने लगभग 4,83,00,000 और 2021 में 5,37,00,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल किए थे। अब जाहिर सी बात है कि चाइना इतनी बड़ी संख्या में स्कूटर बनाकर उन्हें सिर्फ अपने मार्केट में तो बेचेगा नहीं, ऐसे में चाइना अपने इन ईवीज को दुनिया के और भी कई सारे देशों में एक्सपोर्ट करता है। अब चाइना दो तरीके से अपनी इन ईवीज को दूसरे देशों में बेचता है, जिसमें पहला है OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के जरिए। इसमें जो ओरिजिनल चाइनीज मैन्युफैक्चरर होते हैं वो बड़ी संख्या में ईवीज बनाकर सीधे दूसरी कंपनीज को बेच देते हैं, जिसके बाद से वो कंपनीज इन पर अपना ठप्पा लगाकर मार्केट में इन्हें अपने ब्रांड के नाम से सेल करती हैं। और वहीं दूसरा तरीका है कि चाइनीज कंपनी अपने खुद के ब्रांड नेम पर दूसरे देशों में अपनी ईवीज लॉन्च करती हैं। अब जब भी हम कोई चाइनीज ब्रांड नेम देखते हैं तो हमें पता होता है कि ये चाइना में ही मैन्युफैक्चर हुआ है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि कई ऐसे इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज भी हैं जो कि कम्प्लीटली मेड इन इंडिया और स्वदेशी के नाम से अपने ब्रांड को प्रमोट तो करती हैं, लेकिन उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी चाइना से ही बनकर आते हैं, यानी कि बस चाइना से इम्पोर्ट किए हुए पार्ट्स को असेंबल किया, अपना लोगो लगाया और मार्केट में उतार दिया, लो बन गया मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल।
अब देखिए दोस्तों, वैसे तो हम बहुत छोटी कंपनी से कुछ खास उम्मीद तो नहीं करते कि वो अपनी इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन भारत में बेचे जाने वाले टॉप कंपनीज पर भी चाइनीज ईवी बेचने का ही आरोप लगता रहा है। अब जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग टॉप 10 बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स की आप लिस्ट देख सकते हैं। देख लिया। अब अगर मैं आपसे यह कहूं कि हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा जैसे रेप्यूटेड ब्रांड जो कि टॉप 2 में आते हैं, उन पर भी आरोप लगते रहे हैं कि वे अपने कुछ ईवीज चाइना की ही कंपनी से इंपोर्ट करते हैं, है ना हैरान करने वाली बात। एक्चुअली फेमस वेबसाइट ऑटो कार इंडिया के अकॉर्डिंग हीरो इलेक्ट्रिक A29 का लुक चाइना के एक स्कूटर से काफी हद तक मिलता है, बस यहाँ आपको सिर्फ कलर में चेंज देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें ओकिनावा की, तो उसके ज्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर चाइना की लियुवान कंपनी से काफी हद तक मिलते हैं। अगर हम ओकिनावा क्रूजर को देखें तो वो लियुवान LEV018 से काफी हद तक मिलता है, जिसकी सीट, टायर और फुल बॉडी तक सब कुछ आइडेंटिकल है। चेंजिंग के नाम पर इस स्कूटर में सिर्फ उसका कलर और व्यू मिरर ही बदला नजर आता है। अगर आप लियुवान की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो ओकिनावा के सारे स्कूटर के ओरिजिनल पीस आपको वहां दिख जाएंगे। लियुवान अपने स्कूटर में कस्टमर के कंफर्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, और दोस्तों ओकिनावा की ये स्कूटर सिर्फ उसके कस्टमाइज वर्जन ही लगते हैं। इस तरह पिछले काफी समय से ओकिनावा के सारे स्कूटर्स पर मेड इन चाइना होने के आरोप लगते आ रहे हैं। यहाँ तक कि इन आरोपों पर ओकिनावा के MD जितेंद्र शर्मा ने भी सफाई दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके स्कूटर्स की कंप्लीट इन हाउस डेवलपमेंट हुई है और ये सभी इंडिया में ही बनाए गए हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ यही दो कंपनीज ही नहीं है जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं, बल्कि 2020 ऑटो एक्सपो में मौजूद लगभग सभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ब्रांड्स के स्कूटर किसी न किसी चाइनीज ब्रांड के स्कूटर से मिलते जुलते थे। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि भारत में चाइना का माल बेचना इनलीगल है, लेकिन इस बिजनेस मॉडल में बहुत बड़ा लूप होल है। अब शायद आपको याद होगा कि भारत में पहले माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा जैसे ब्रांड चाइना से ही पार्ट्स को इंपोर्ट करके कितने बड़े हो गए थे, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि Xiaomi, Vivo और Oppo जैसे चाइनीज ब्रांड भारत में आए और इतने कम दामों में मोबाइल ऑफर किए कि इन सभी ब्रांड्स की ही छुट्टी कर दी। और दोस्तों कुछ ऐसा ही ईवी स्कूटर्स के साथ भी हो रहा है, क्योंकि चाइना भी हमारे भारत के मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा है, और जैसे ही ये अपना ब्रांड डायरेक्टली भारत के मार्केट में उतारेगा, सबकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट चाइनीज कंपनी के मुकाबले सिर्फ वही ब्रांड ही खड़े हो पाएंगे जो कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं। और दोस्तों भारत के अंदर ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी और अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव जैसे कुछ 8-10 ब्रांड्स ही ऐसे हैं जो कि भारत के अंदर सच में अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये कंपनीज ही आगे चलकर EV टू व्हीलर मार्केट को लीड करेंगे और चाइनीज ब्रांड के साथ भिड़ेंगे।